तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं आधार कार्ड से पैन कार्ड कैसे लिंक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलनी, आना कि इसका लिंक आपको सरकारी रिजल्ट रोजगार रिजल्ट .com पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड का जो स्टेटस है वो चेक करके बताऊंगा, उसके बाद जो ऑनलाइन लिंक करके भी दिखाऊंगा, पेमेंट कैसे होगा वो भी दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं इनकम टैक्स की साइट पर दो लिंक आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे लिंक आधार स्टेटस पर। जैसे आप उस पर जो है क्लिक करेंगे तो ध्यान देना है आपको यहाँ पे दो चीजें डालनी, पहले आपको पैन कार्ड डालना है और दूसरा आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। दोस्तों बिल्कुल सावधानी से डालिएगा, पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर गलत नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज डालने पर वहां पर नीचे दिखाई दे रहा है व्यू लिंक स्टेट है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर आपका पैन कार्ड लिंक है तो उसमें दे देगा, अगर लिंक नहीं है तो यहाँ पे लिंक आ जाएगा कि अपने को जो है तुरंत ही आपको लिंक करना है। तो जैसे आप लिंक वाले क्लिक करेंगे देख सकते हैं लिंक आधार का लिंक जो है खुल चुका है। इसमें आपको पहले पैन कार्ड डालना है और उसके बाद फिर आधार कार्ड डालना है। देख सकते हैं मैंने दोनों चीजें डाल दी है, उसके नीचे आपको वैलिडेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर वैलिडेट पे क्लिक करना है। 1000 रुपए का पेमेंट है वो भी कैसे होगा वो भी हम आपको दिखाने वाले। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं वैलिड डेट पे, लेकिन इसको बहुत ही सावधानी से डालिएगा, सब कुछ डालने के बाद एक बार डबल चेक जरूर कीजिएगा। तो जैसे हम इस पे यहां पे देख सकते हैं वैलिड डेट का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया थोड़ा साइट कभी-कभी बिजी हो जाती है, इसके बाद यहां पे आ रहा है कंटिन्यू टू पे थ्रो ई पेमेंट, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर दोबारा डालना है और एक मोबाइल नंबर डालना है। ये मोबाइल नंबर पे आपके एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसपे आपको वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर दोबारा डाल देता हूँ, साथ ही साथ जो मोबाइल नंबर है उसको भी डाल देता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जो भी आपने नंबर दिया है उस नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, यानी कि वन टाइम पासवर्ड। तो जैसे आपके मोबाइल में पासवर्ड प्राप्त हो जाता है आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना है, और अगर काफी देर प्राप्त नहीं होता है तो आपको वहां पर रीसेंट का ऑप्शन है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो मुझे मिल गया है, मैंने यहां पे डाला है, उसके बाद मैं कंटिन्यू पे जो है क्लिक करता हूं। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हो चुका है, अब हमको उसका केवल पेमेंट करना है। तो चलिए हम पेमेंट के लिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, नाम भी जो है आपका वहां पे आ जाएगा जैसे आप उस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है पेमेंट के लिए। ढेर सारे ऑप्शन है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन जिसपे लिखा है इनकम टैक्स इस पे जो है क्लिक करना है। तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कीजिएगा, किसी और ऑप्शन पे क्लिक मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आगे जो है बढ़ते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हम जो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिसपे इनकम टैक्स लिखा है और कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे वो भी आपको बताएंगे। देख सकते हैं मैंने मार्कर लेके इसलिए आपको बता दिया कि फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, असेसमेंट ईयर जो भी करंट वाला होगा वो ही आपको डालना है। तो देख सकते हैं मैंने जो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है 23-24। यहाँ पे पेमेंट में आपको अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदर रिसिप्ट 500, ध्यान दीजिएगा अदर रिसिप्ट 500 पे क्लिक करना और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जो फीस है इसकी 1000 वो आ जाएगी और कंटिन्यू पे फिर आपको दोबारा क्लिक करना है। तो दोस्तों अक्सर होता है कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इसका गेटवे नहीं खुलता है, अगर आपके साथ भी जाइए देखिए इस समय गेटवे नहीं खुल रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या आ रही है तो बैक करके आपको दोबारा कंटिन्यू करना है, हो सकता है एक या दो बार करना पड़ सकता है। तो जब तक आपका ये गेटवे नहीं आ जाता आप उसको जो है कंटिन्यू करते रहिए। तो देख सकते हैं मेरा गेटवे आ चुका है, अब यहाँ पे इसका पेमेंट आप डेबिट कार्ड है, RTGS है, गेटवे है, इनके माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसका पेमेंट अपनी नेट बैंकिंग यानी कि ICICI बैंक की नेट बैंकिंग से करता हूं और आपको उसका फाइनल जो है पेमेंट करने के बाद कैसी रसीद निकलती है वो भी आपको दिखाता हूं। तो चलिए दोस्तों इसका पेमेंट करते हैं, फिर से बता दूं आप इसका पेमेंट RTGS है, पेमेंट गेटवे है, डेबिट कार्ड, कई माध्यम उनके माध्यमों से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा पेमेंट जो है आप देख सकते हैं बढ़ गया है और यहाँ पे देख सकते हैं पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे एग्री करते हो सबमिट टू बैंक पे आ जाएंगे, इस पर आपको बैंक डिटेल्स वगैरह अपनी डालनी है। देख सकते हैं पेमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे रिटर्न टू ई फाइलिंग पोर्टल इस पर क्लिक करना बहुत जरूरी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे लिख के आ रहा है देखिए चालान का पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे आप देखेंगे मेरा नाम आ चुका है सुरेंद्र कुमार, असेसमेंट ईयर आ चुका है और अमाउंट भी आ चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।